इस मॉड्यूल में थायराइड के रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि कॉमन हैं उनका जिक्र करेंगे वैसे तो बहुत हैं लेकिन हम एक दो दो का जिक्र करते हैं तो देयर आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स दे कैन अराइज व्हेन थायराइड प्रोड्यूस टू मच हॉर्मोन और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर थॉर वेन इज अ ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इसका इफेक्ट क्या होता है और, और Uh, जाहिर है कि इसके भी बैड इफेक्ट्स हैं और दिस इज आल्सोरी ग्वाइटर हो जाता है एनलाज हो जाती है थायर ग्लैंड और गर्दन के नीचे एक बहुत बड़ा ऐसे अपियरेंस महसूस हो जाती है सो दिस इज दो का जिक्र करेंगे दिस इज हाइपराडिज़म एंड हाइपोर हाइपो थायरॉइडिजम व्हेन दर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन तो क्योंकि थायरॉक्सिन का मेन रोल जो है वो मिटैबलिज़म है अब मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे तो ठीक अगर ज्यादा तेज हो जाए या बहुत कम हो जाए दोनों कंडीशंस में ये, ये एक वी कॉल दम एज द डिजीज तो डिजीज क्या है वैन दर इज वैन वी आर नॉट एट ईज दिस इज कॉल्ड डिजीज तो ये डिजीज हो जाती है तो सेवरल डिफरेंट ऑर्डर्स कैन अराइज वैन थॉय प्रोड्यूसिस टू मच हो और जैसे हम हाइपर थॉरिज्म कहते हैं तो दिस इज फैक्ट दैट ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड व्हेन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच ऑफ दिस हार्मोन नाउ हाइपरथॉरिज्म कैन एक्सलरेट योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म क्योंकि बॉडी के अंदर थायरऑक्सन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और ज़ाहिर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा और इसके रिजल्ट पे दैट कॉज अन इंटेंशनल वेट लॉस और uh, शुरू में तो पता ही नहीं चलता क्योंकि वो जो इंडिविजुअल होता है वो लूज़ कर रहा होता है वेट और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं हेल्थ प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि आप T3 और T4 फोर थायरॉक्सिन ये इस, इसका टेस्ट कराएं और जहाँ से पता चलता है कि क्या थायराइड सही तौर पे काम कर रही है या नहीं कर रही और अगर बहुत प्रोडक्शन है तो उसे पता चल जाता है कि इसकी वेट लॉस की वजह यही है कि बिकॉज ये थे हाइपरथराजम था, है ये थरॉक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और ऐसे में ऐसे में नर्वसनेस भी हो जाती है हार्ट बीट भी तेज हो जाती है एंगजाइटी हो जाती है बहुत रैपिड हैंड ट्रेमरिंग भी शुरू हो जाती है आ, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं तो ये थायरॉक्सिन की ज़्यादा प्रोडक्शन से इतने सिम्टम्स जब आ जाते हैं तो फिर उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है इस बाज़त गोइटर दैट मेअ का क्वाइटर का मतलब यह है कि जो थर्ड ग्लैंड वो उसकी प्रोडक्शन वो उसकी उसकी अनलार्जमेंट हो गई है और ये शुरू में तो ऐसे पता नहीं चलता लेकिन जैसे जैसे उसकी अनलाजमेंट होती है तो फिर अपेरेंटली इस नेक में एक अपियरेंस है जो कि उसकी स्वेलिंग से महसूस होती है तो ये और इसके साथ ही साथ जो हाइपरथ्रॉइडिज़म में ये जो आंखें हैं वो भी ऐसे महसूस होते हैं बल्ज कर रही हैं द बल्जिंग आउट तो ये और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो फिर वो अपनी असली हालत पे आंखें आ जाती हैं तो ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथोराडिज्म और ये वो ग्वाइटर है जो से जो कि हाइपर थोरेडिज्म की वजह से होता है देन दिस दिज हाइपोथोडिज्म अगर हाइपर हो जाता है तो कम भी हो सकती है तो थाइरक्सिन की प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया और जब स्लो हो जाता है तो बॉडी वीकनेस महसूस करनी शुरू कर देती है बड़ी लथार्जी शुरू हो जाती है वो पेशेंट हर वक्त वो यही कहता है कि वो लेटा ही रहे तो फिर वेट गेन और वेट uh, गेन भी हो जाता है मोटापा भी आना शुरू हो जाता है और uh, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब किसी को जब तक डायग्नोज ना हो तो वो कोशिश करता है वेट लॉस करने की लेकिन वो वेट लॉस नहीं होता तो डिस्पाइट रिड्यूस्ड फूड अपटेक भी कम कर देता है लेकिन फिर भी ओबेसिटी होती जाती है पहले ओवर वेट होता है तो उसके बाद ओबेसिटी भी शुरू हो जाती है तो फिर इसके अलावा ये जो ड्राई हेयर और ड्राई स्किन ये भी इट इज़ आल्सो थ्रो ऑफ दी